और आज की अभी सुबह मेरा एक कॉर्पोरेटर का मीटिंग थी, और कॉर्पोरेटर के माध्यम से आमदार के फंड होते हैं जो स्कूल को डेवलपमेंट के लिए देते हैं, वो मीटिंग मेरे हो गए वहां से। और सीए की मीटिंग थी मेरी, और सर को मैंने 4 बजे आप आइए प्लीज कम ऐसा मैंने मैसेज डाला, तो मैं इतने बड़े सर है और प्लीज कम बोला, तो मैंने मीटिंग को पूरी फंड किया, मैं यहाँ पे आया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, देखो कि वो टॉपिक में है कि उड़ान, बराबर ना। और यहाँ पे जैसे हम लोग किसी और को बिजनेस देते हैं, जैसे मैंने अशोक जी को सुना, मैंने अभी वैसे लैपटॉप लिया, अमित जी को मैंने लैपटॉप लिया, मैं ऐसे सोच रहा था मुझे अच्छा दो कोई पहचान वाला रहे या किसके माध्यम से लैपटॉप मिलेंगे, लेकिन फंडर नहीं हो पाया, रेफरल नहीं मिल पाया। तो सर मैं जियो में जाके 45,000 का लैपटॉप है, जैसे आपने कहा कि जो चाहिए वो आपको मिलेगा, आपके पसंद का मिलेगा, तो डेफिनेटली हम लोग रेफर करेंगे। और अभी टेक्नोलॉजी आ गई, मेरे को तो इसमें से कितने लोगों के पास लैपटॉप है, लैपटॉप लगने वाला है, इंटरनेट डेवलप होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, अभी गुप्ता जी ने भी बताया कि 100 डेंटिस्ट का उनका टारगेट है, तो डेफिनेटली कि यहाँ पे आएंगे हर पर्सन अलग अलग कुछ आए, और हम लोग बाहर बिजनेस देने से हमारे लोगों के पास बिजनेस जाएंगे, सही है ना सर। लेकिन मैडम एडवोकेट है, एडवोकेट रिलेटेड कुछ भी काम रहे तो उनको पहले याद आएगा, अरे सोना मैडम अपनी टीम से है, अभी हम लोग अभी इनके बारे में बात करें कि गिफ्ट हम लोग दे सकते हैं, इनका घुमड़ी का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो वो एक अच्छे है। अभी सर ने इतना बताया, सर मैं आपको एक बात कहूँ, सर मेरा एजुकेशन एमकॉम किया है मैंने, सर मेरे डैडी प्रिंसिपल थे, मम्मी टीचर थी, मेरे अंकल टीचर थे, मेरा पूरा बैकग्राउंड टीचर था वहाँ से, और मैंने एमकॉम कंप्लीट किया सर, और उसके बाद में मैं कीर्ति कॉलेज में जूनियर प्रोफेसर लगा, और तब उन्होंने नेट सेट एग्जाम लगाई थी। तो मुझे ऐसा आपके जैसे ऐसे कोई सर पर्सन नहीं था कि जो मुझे एजुकेट करा रहे, कर नेट सेट आगे जाके करेंगे, मतलब फिर से मैं 2 साल क्यों दो, और फिर मैं वो जॉब नहीं किया, मैं 6 में अंधेरे में सर परचेस मैनेजर करके जॉब किया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डायमंड ब्लूदर है, और मैं एजुकेशन फील्ड से बाहर आ गया। लेकिन भगवान की इच्छा थी कि मैं एजुकेशन में काम करूँ, और मैं अभी आज योगेश कोरे सर के साथ मैं होमग्राज के लिए काम करता हूँ, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं मैडम को एक ही मैसेज दूंगा, आपके लिए भी स्पेशल मैसेज, मैडम हरबत नायक करती है, मैं हरबत नायक 2005 2006 2007 वर्ल्ड टीम जाके आया, पहला इंटरनेशनल सिंगापुर किया, अभी जो भी IPL में वर्ल्ड जो हरबत नायक के जो प्राइजेस होते हैं, जो डेविड सर थे जो मेरे गुरु है, माधवी गोले थे जो मेरे गुरु है, तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और योगी जैसे सर ने अभी कहा कि 6 महीने के बाद हम लोग अच्छा हॉल में जाएंगे, और हमारा पूरा लोगों का जो टूर है, जो भी रहेंगे सर एडवाइजर है, जो भी फील्ड से है, तो हम लोग एक दूसरे को बिजनेस देते ही है, तो ये बिजनेस तो हम लोग को लेकर गुप्ता जी के माध्यम से हम लोग देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, अभी मुझे अच्छा लगा सर, बोले मैं नागपुर में होमग्रो चालू किया था, एक्चुअली मैं सर पे एजुकेशन से हूँ, लेकिन मैं भी नेटवर्क से बहुत बड़ा काम करता हूँ, जैसे छिंदवाड़ा बोलो, मध्य प्रदेश बोलो, नागपुर बोलो, छत्तीसगढ़ बोलो, अभी भी मेरा ऑलरेडी डेवलपमेंट है। तो 2-3 प्रोजेक्ट कोविड ने सिखाया कि एक प्रोजेक्ट में काम नहीं करना है ना सर, यस। और थैंक्स टू गॉड की वो सद्बुद्धि मिली थी कोविड में, जब सब कुछ बंद था, लेकिन तब मैं डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छा कर रहा था, नेटवर्क के माध्यम से और सुन के माध्यम से। तो सर आपका एक कंसेप्ट है, और सर ने बोला कि 6 महीने में हम लोग हॉल पे लेके जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि सर ने बोला है, और सर इतना कोरबे से यहाँ तक कार लेके आए ना सर, तो उनकी आग और उनका जुनून बहुत है, और उन्होंने बोला तो हम लोग सर मिलकर उसके लिए काम करेंगे।